आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरू। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे जिस किसी भी उम्र के हो, मेल हो या फीमेल हो, यह वीडियो आपको देखना और समझना अनिवार्य है। और एक मनोवैज्ञानिक और माइंड एक्सप्लोरर होने के नाते मेरी यह जिम्मेवारी है कि आपके मानसिक क्षमता और मानसिक समस्या के बारे में समय समय पे अवगत कराता रहो। इसी चरण में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये इंटरनेट की वजह से आपके मानसिक क्षमता पे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और जो मैं बताने वाला हूं वह कोई तथा कथित कही सुनाई बातें नहीं है। यह साइकोलॉजिकल रिसर्च स्टडीज और सर्वे में पाया गया है। साथ में बिहेवियर जनरलाइजेशन थियोरी के आधार पर देखा जाए तो यह चीजें यानी कि इंटरनेट आपके दिमाग पे काफी ज्यादा बुरा असर डाल रहा है। और विशेष करके आपके दिमाग के अंदर दो कैपेसिटी, हालांकि इंटरनेट आपके दिमाग के बहुत सारी क्षमताओं को तहस नहस कर रहा है, ऐसी की तैसी कर रहा है, इंटरनेट का आवश्यकता से अधिक यूज। यदि आप इंटरनेट का यूज एक लिमिट में करें, एक सीमा तक करें, तब आपके जीवन को वह सफल और सुफल बनाएगी। लेकिन यदि इंटरनेट का प्रयोग आवश्यकता से अधिक किया जाए, एक्सेस किया जाए, मतलब अति कर दिया जाए, तो यह आपके दिमागी क्षमता को या कहे तो आपके मनोवैज्ञानिक क्षमता को तहस नहस करती है, साथ में कम करती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग के अंदर दो प्रकार की क्षमता होती है। एक होती है सूचनाओं को ग्रहण करना और आवश्यकता पड़ने पे उस सूचनाओं को रिट्रीव करना, अर्थात पुनः प्राप्त कर लेना। इसे मेमोरी कहा जाता है। जैसे आपने कुछ फैक्ट याद किए और उस फैक्ट को आपको आवश्यकता पड़ी तो आप उस फैक्ट को अपनी मेमोरी से रिट्रीव कर लिए, पुनः प्राप्त कर लिए। अर्थात जो सूचना आप अपनी याददाश्त में, आप अपनी मेमोरी में रिटेन करके रखे हैं, संचित या संग्रहित करके रखे हैं, आवश्यकता पड़ने पे उस सूचना को रिट्रीव कर लिए, पुनः प्राप्त कर लिए। और जो व्यक्ति गूगल बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बात बात पे गूगल पे उंगलियां घुमाते हैं कि चलो गूगल पे इसके बारे में जान लेते हैं, उस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम रही है कि उनका मस्तिष्क सूचनाओं को संग्रहित करने में सक्षम नहीं है और साथ में सूचनाओं को आवश्यकता पड़ने पे पुनः प्राप्ति करने में भी सक्षम नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर कोई जिज्ञासा उठती है तो आपका हाथ ऑटोमेटिक मोबाइल पे जाता है और आपकी उंगलियां गूगल में जाके सर्च करना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे समय के साथ आपके दिमाग की इस क्षमता कमजोर पड़ती जाएगी, मेमोरी की यह क्षमता कमजोर पड़ती जाएगी और आने वाले 4-5 पीढ़ियों के लिए यह इतिहास बन के रह जाएगा, यह मजाक या हंसी का विषय बन के रह जाएगा कि मेरे दादा परदादा ये सब चीज को अपने दिमाग में याद करते थे, ये सब को याद करने की चीजें हैं, ये सब तो इंटरनेट या गूगल पे मिल जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ती ही रहेगी, कभी थमेगी नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, इसमें बड़ा क्या है, इसमें नुकसान क्या है। तो मैं एक माइंड एक्सप्लोरर और मनोवैज्ञानिक होने के नाते बता दूं, जो व्यक्ति अपनी दिमाग को, अपनी दिमागी क्षमता को, या कहें तो दिमागी क्षमता कहने से ज्यादा बेहतर वाक्य होगा, ज्यादा बेहतर शब्द होगा, मनोवैज्ञानिक क्षमता को जितना ज्यादा प्रयोग करेगा, वह व्यक्ति का, उस व्यक्ति का मन और शरीर उतना ही ज्यादा सामर्थ्य होगा, कैपेबल होगा और स्वस्थ होगा। यदि आप अपनी दिमागी क्षमता को प्रयोग करना भूल जाएंगे तो धीरे धीरे दिमाग की वह क्षमता सुसुप्त पड़ जाती है और मनोवैज्ञानिक रूप से आप पंगु और अपंग हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने दिमाग को एक आदर्शतम स्तर तक प्रयोग करते रहता है वो जीवन भर एक स्वस्थ मनोदशा में, एक स्वस्थ मानसिक अवस्था में जीता है। अर्थात आप खुद सोचिए कि आपके पास जो उपकरण है वो अपनी आदर्शतम स्तर तक काम नहीं करता, वो अपनी आदर्शतम क्षमता से काम नहीं करता, तो क्या उस उपकरण के प्रति आपके अंदर बहुत ही इफिशियंट
फीलिंग्स आएगा कि नहीं ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है, बहुत अच्छा सर्विस देता है, उसी तरह से आपके दिमाग के साथ है। आप अपने दिमाग की क्षमता को आदर्शतम स्तर तक प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं गूगल की वजह से। इसीलिए जब भी छोटी मोटी सूचनाएं हो तो आप उसे रिकॉल करने का कोशिश करिए, दिमाग में याद करने का कोशिश करिए, ताकि आपकी दिमाग की क्षमता बनी रहे और आगे आने वाली पीढ़ियों को यह क्षमता आपसे ट्रांसफर होता रहे। वरना आगे आने वाले समय में इंटरनेट का आवश्यकता से अधिक प्रयोग मनुष्यों को मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से कहां ले जाने वाला है, इसका परिणाम हर व्यक्ति झेलेगा। मानसिक तनाव के रूप में, मानसिक अस्थिरता के रूप में, मानसिक असमर्थता के रूप में, और कितने सारे सेंटेंस और वर्ड बताऊं, अनेकों प्रकार की, अर्थात आपकी जिंदगी पूरी तरह से ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसीलिए सावधान, इंटरनेट का प्रयोग करें पर एक निश्चित सीमा में, गूगल का प्रयोग करें एक निश्चित सीमा में। बात बात पे अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए मत प्रयोग करें, अपने दिमाग का प्रयोग करें। दिमाग सर्वशक्तिमान है, और गूगल को बनाया किसने है? किसी दिमाग ने ही तो बनाया है ना। मोबाइल को बनाया है किसने? किसी दिमाग ने तो बनाया है ना। तो सारी टेक्नोलॉजी का फादर एक ही है, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन। तो आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप समझे होंगे जो आप मैं कहना चाह रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।